एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कोविड के टाइम पे फॉर सम पर्सनल रीजन ट्रैवल करना पड़ा अपने बैंगलोर से अपने नेटिव के लिए। तो मुझे ऐसा लगा जो भी मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे समझ में आए, मुझे उन सबको आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप या आपके फैमिली में से कोई ट्रैवल कर रहा हो तो ये उसको हेल्प कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स एंड टू एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं टिकट बुकिंग की। मैंने जो टिकट बुकिंग करवाई थी वो करवाई थी ऑनलाइन एंड जस्ट 3 डेज बिफोर, एंड द प्राइजेस वर कम्प्लीटली इन द नॉर्मल रेंज, बिल्कुल हाइक प्राइजेस नहीं थे, तो दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग। फिर ऑन द डे ऑफ ट्रेवल मैंने अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कैब बुक करवाई थी। ओला कैब जब आप बुक करवाते हो तो जो ड्राइवर की प्रोफाइल होती है उसी के अंदर आपको ड्राइवर का जो टेम्परेचर है वो लिखा हुआ दिखता है, तो यू कैन बी श्योर कि जो ड्राइवर है उसको फीवर नहीं है। जब ड्राइवर आपकी कैब में बैठता है तो फिर जो वो पूरे टाइम मास्क पहन के रखता है, उसने पूरी जर्नी में एक बार भी मास्क नीचे नहीं करा, विच वॉज वेरी सैटिस्फाइंग, क्योंकि मैं अपने बच्चे के संग ट्रैवल कर रही थी एंड आई वॉज लिटिल वरिड अबाउट दैट फैक्ट। इनफैक्ट उसने सैनिटाइजर भी यूज करा कैब को स्टार्ट करने से पहले, एंड फॉर सम रीजन मुझे मेरा सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, तो उसने मुझे और मेरे बेबी को भी सैनिटाइजर दिया यूज करने के लिए। सो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन एंड द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आता है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो तब क्या होता है। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आप जब एंट्री करने जाते हो उससे थोड़े डिस्टेंस पे उन लोगों ने एक बड़ा सा फुटमैट लगाया हुआ है जिसके ऊपर सैनिटाइजर जो है वो स्प्रे करा हुआ है। उससे क्या होता है कि जब आप उस फुटमैट के ऊपर स्टेप करते हो तो आपके जो शूज हैं वो भी सैनिटाइज हो जाते हैं, तो दे मेक श्योर कि जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम पहुंचने के चांसेस हो एयरपोर्ट के अंदर। जब आप फुटमैट के आगे बढ़ते हो थोड़ा सा तो देन दे आर डूइंग द थर्मल टेस्टिंग, जिससे कि वो लोग आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, और अगर आपको जरा सा भी टेम्परेचर होता है तो दे वोंट अलाउ यू टू ट्रैवल, दे विल सेंड यू बैक। उसके बाद अगर आपकी टेस्टिंग हो जाती है और आपका टेम्परेचर नहीं आता है देन यू मूव अहेड। उसके बाद वहां पर वो लोग चेक करते हैं बोर्डिंग पास। अभी उन्होंने क्या करा है कि जो बोर्डिंग पास है वो आपको मेल पर आता है टिकट बुक करने के बाद 12 आवर्स बिफोर द जर्नी, तो इधर यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट बोर्डिंग पास, या फिर आप जो डिजिटल अपने मोबाइल पे भी बोर्डिंग पास दिखा सकते हो। जब आप बोर्डिंग पास दिखाते हो एंट्री के टाइम पे, दे डोंट टच अ बोर्डिंग पास, दे डोंट टच अ मोबाइल फोन, वो लोग दूर से ही उसको स्कैन करते हैं जो आपका बोर्डिंग पास होता है एंड दे विल लेट यू इन। उसके बाद आपको आईडी भी दिखाना पड़ता है, जब वो आईडी आपके फेस से मैच करते हैं तो दे विल जस्ट आस्क यू कि आप थोड़ा सा अपना मास्क डाउन कर लो, दे विल मैच द फेस एंड दे विल लेट यू इन। सो देयर इज बेसिकली नो टचिंग मेथड दैट दे आर यूजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो वहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा वो होता है टैग डिस्पेंसर मशीन। जी हाँ, अभी जो आपको जो टैग्स मिलते हैं जो आप बैगेज पे लगाते हो वो आपको काउंटर से नहीं मिलते, उसके लिए उन्होंने एक डिस्पेंसर मशीन लगाई है। उस मशीन के अंदर आप पीएनआर नंबर जो है वो डालो एंड यू विल गेट द टैग्स जो कि आपको खुद अपने बैगेज पे लगाने होते हैं। वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा दैट इज गोइंग टू टच योर जो टैग्स होते हैं या बैग्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आता तो वहां पे लोग होते हैं जो कि आपको बोल के एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे करना है, बट दे आर नॉट गोइंग टू टच योर थिंग, सो यू कैन बी श्योर कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही अच्छे से फॉलो हो रहा है। जो नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज है वो है कि उन लोग एयरपोर्ट के अंदर हर थोड़े से डिस्टेंस पे सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगा हुआ है। सो जैसे अगर आपने चेक इन करा उसके बाद आपको वहां पे सैनिटाइजर डिस्पेंसर मिल जाएगा, आपने टैक्स कलेक्ट करे उसके बाद आपको सैनिटाइजर डिस्पेंसर मिल जाएगा, तो आप श्योर कर सकते हो जैसे अगर आपने किसी मशीन को टच करा उसके बाद सीधे अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लिया एंड बी सेफ। सो दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है चेक इन प्रोसेस। चेक इन प्रोसेस इज कम्प्लीटली सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। वहां पे आपको सेम बोर्डिंग पास दिखाना होता है, वहां पे भी दे आर नॉट टचिंग द बोर्डिंग पास, वहां उस वाले काउंटर पे भी दे विल जस्ट डिजिटली स्कैन योर बोर्डिंग पास और वो लोग आपको ही बोलेंगे अपने बैगेज उठा के काउंटर पे रखो, वे करो एंड जस्ट द चेक इन इज डन इन द यूजुअल वेज। जब आप चेक इन के आगे बढ़ते हो सिक्योरिटी चेक इन के लिए, सिक्योरिटी चेक इन के अंदर भी द प्रोसेस यही है। वहां पे भी आपको पहले अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, मास्क डाउन करके अपना जो फेस है वो मैच करवाना पड़ता है। उसके बाद यू डू दैट सिक्योरिटी चेक इन, जहां पे जो आपके हैंड बैगेज के अंदर सामान है वो आपको ट्रे में रख के दिखाना होता है। देन यू गो फॉर द चेक इन जो कि वो लोग इलेक्ट्रिक मशीन से करते हैं, उसमें भी दे आर नॉट गोइंग टू टच यू एट ऑल।
वो लोग आपको मुंह से ही बोलेंगे जस्ट टर्न बैक, रेज योर हैंड, दे आर नॉट गोइंग टू टच यू एट ऑल। उसके बाद वहां पर जब आपका सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट होता है तो वहां पर भी आपको सैनिटाइजर डिस्पेंसर मिल जाता है। जैसे कि एक्चुअली वो लोग जब भी आपको किसी भी चीज को टच करना पड़ता है उसके जस्ट बाद आपको सैनिटाइजर डिस्पेंसर मिल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे हैंड बैगेज और ट्रॉली बैगेज के रूल्स में कुछ चेंजेस है, वो सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, जिससे कि जो सारे रूल्स हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अब बात आती है बोर्डिंग की। जब आप बोर्डिंग करने जाते हो तो बोर्डिंग के टाइम पे वो लोग आपको एक सिक्योरिटी किट प्रोवाइड करते हैं। उस किट के अंदर क्या क्या होता है? उस किट के अंदर होता है एक मास्क, एक सैनिटाइजर और एक पूरा फेस का शील्ड। तो ये पूरा एक सेट बना के वो लोग आपको देते हैं, जो कि आपको जो बस आप बोर्ड करते हो उससे भी पहले आपको वो पहनना होता है, तभी वो लोग आपको अलाउ करते हैं। जब आप इन चीजों को वेयर करके अपनी बोर्डिंग बस की तरफ जाते हो, जो बस होती है दैट इज वेरी वेरी सैनिटाइज, वो लोग हर ट्रिप के बाद, हर एक राउंड के बाद उस बस को सैनिटाइज करते हैं एंड दे मेक श्योर कि जो बस है वो ओवरक्राउडेड नहीं होती है। वो लोग ज्यादा राउंड लेते हैं लेकिन कम लोगों को एक बार में लेके जाते हैं टूवर्ड्स दी फ्लाइट। जब आप बस को बोर्ड करके फ्लाइट में पहुंचते हो तो जो फ्लाइट होती है उसके अंदर जो बैठने का अरेंजमेंट किया है वो मिडिल वाली जो सीट है उसको छोड़ा है। इवन इफ यू आर ट्रेवलिंग थ्री पीपल इन योर फैमिली, वो लोग आपको थ्री सीट इन अ रो नहीं देंगे, वो जो बीच की सीट है वो खाली ही रहेगी। तो दे आर मेंटेनिंग दैट सोशल डिस्टेंसिंग इन दी फ्लाइट ऑल्सो। फ्लाइट के अंदर वो लोग आपको वाटर और फूड बिल्कुल सर्व नहीं करेंगे, सो मेक श्योर यू आर कैरिंग योर वाटर। उन्होंने वाटर ले जाना आराम से अलाउ किया था। आई टुक 2 liters ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ मी बिकॉज आई वॉज हैविंग अ स्मॉल चाइल्ड, सो आई कैरीड एंड दे वर कम्प्लीटली फाइन, देर इज नो क्वेश्चन। सो यू कैन कैरी योर वाटर और फूड इन योर फ्लाइट। उसके बाद जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है, आप अपने डिपार्चर वाले एयरपोर्ट पे आ जाते हो, तो वहां पर भी वो लोग जो है पहले थर्मल चेक करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर आपको अलाउ करते हैं एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए। सो देयर आर सम रूल्स दैट हैज बीन चेंज ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, जो कि मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि आपको जो बोर्डिंग पास है वो 12 hours बिफोर दी जर्नी मिलता है। तो आप उस बोर्डिंग पास का या तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर उसको डिजिटली भी एयरपोर्ट पे शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल ये आता है कि जो आप अपना बैगेज लेके जाते हैं, पहले डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर 15 kg अलाउड था चेक इन के लिए और जो 7 kg अलाउड था हैंड बैगेज में अलाउड था। अभी उन्होंने क्या करा, अभी उन्होंने करा 20 kg का एक बड़ा बैग यू कैन ट्रेवल पर टिकट, जो कि आपका चेक इन में चला जाएगा। और जो हैंड बैगेज है वो जो ट्रॉली हम ट्रैवल में यूज करते हैं व्हील्स वाली छोटी वाली, वो अलाउड नहीं है। अभी आप छोटा एक बैग लेके ट्रैवल कर सकते हो जो कि आप अपने से सामने वाली चेयर के सीट के नीचे रख सकते हो। आपको अपर चेम्बर के अंदर फ्लाइट के अंदर कुछ भी रखना जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। सो जो बैग किस टाइप का हो सकता है, जैसे पिटो बैग होते हैं, लैपटॉप बैग होते हैं, आप वो लेके जा सकते हो एंड यू कैन नॉट कीप देम अपर चेम्बर इन द फ्लाइट। अगर आप 20 kg का एक बैग लेके जा रहे हो पर टिकट देन इट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर आप 20 kg को स्प्लिट कर रहे हो दो बैग्स में, 10 kg और 10 kg, तो जो सेकेंड बैग है उसका आपको एक्स्ट्रा 750 rupees देना पड़ेगा पर बैग पर टिकट। और जो नेक्स्ट थिंग आती है वो ये आती है कि अगर आप 20 kg की जगह 21 kg चेक इन में देते हो वन बिग बैग, तो आपको 500 rupees पर kg एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर दैट 1 kg। तो दिस इज द रूल दैट हैज बीन चेंज एंड दिस इज फॉर आवर गुड, बिकॉज जितने कम बैग होंगे उतना कम टच होएगा एंड इट इज मोर सेफ। तो अंदर फ्लाइट के अंदर यू कैन जस्ट कैरी अ स्मॉल बैग, जो कि आप अपने से सामने वाली चेयर के नीचे रखोगे। अपर चेम्बर्स को यूज करना इज नॉट अलाउड। और जो चेक इन में सामान जाएगा दैट इज 20 kg वन बैग पर टिकट, दैट इज अलाउड। इस वीडियो के एंड में मैं आपको देना चाहूंगी कुछ टिप्स जो कि मैंने यूज करे थे एंड आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल, सो आई सजेस्ट कि आप भी उसको यूज करो। सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आप अपने संग यूज एंड थ्रो वाले मास्क को कैरी करें, जिससे कि आप उनको हर थोड़ी सी देर के बाद डिस्पोज करके जो नया मास्क है वो पहन सकें। मैंने क्या किया था, जैसे मैंने ओला कैब यूज करी, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची मैंने अपना मास्क चेंज कर लिया, फिर मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन करवाया बोर्डिंग वगैरह, उसके बाद मैंने अपना मास्क चेंज कर लिया, फिर मैं फ्लाइट से उतरी मैंने अपना मास्क चेंज कर लिया।
सो दिस कीप्स यू सेफ, जो कि मास्क है वो क्लीन और हाइजीनिक रहता है, तो यू कैन डू द सेम, आप अपने संग जो मास्क है वो डिस्पोजेबल वाले कैरी करो. नेक्स्ट, कैरी योर ओन सैनिटाइजर. हर एयरपोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको रूल्स बताए, ये सारे रूल्स बैंगलोर के एयरपोर्ट पे थे, पर अगर कहीं पे सैनिटाइजर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज कैरी योर ओन सैनिटाइजर, विच इज वेरी गुड. जो थर्ड टिप है वो है कि अपना संग अपने खाने का और पीने का इंतजाम करके रखे. वहां पे एयरपोर्ट के अंदर जो फूड कैफेज हैं दैट आर ओपन एंड वर्किंग, बट स्टिल टू बी सेफ आप अपना खाना और अपना पानी आराम से कैरी कर सकते हैं. और अभी पानी कैरी करने के लिए फ्लाइट के अंदर भी कोई रोक टोक नहीं थी. आई माइसेल्फ कैरी 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनसाइड द फ्लाइट एंड दे वर कम्प्लीटली फाइन विद इट. नेक्स्ट टिप इज कि अगर आप अपने बच्चे के संग ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशन घर से निकलने से पहले समझा दो. इनफैक्ट अगर आपका बेबी ज्यादा छोटा है तो 2-3 दिन से उसको समझाना शुरू कर दो, जिससे कि वहां पे देख के ही विल बी ऑल्सो ओके ऑफ नॉट टचिंग द थिंग्स. बिकॉज मैंने भी जाने से पहले अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया था दैट ही इज नॉट गोइंग टू टच एनीथिंग, और वो आराम से अपनी सीट पे बैठा रहा. टू माई सरप्राइज वो समझा उस चीज को कि उसको नहीं टच करना है. ऐसे जो आप टिकट बुक करवाते हो वहां पे उसके ऑफिशियल साइट्स के अंदर भी उन लोगों ने काफी सारी वीडियोस शेयर करी हुई हैं, जिससे कि आपके जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा. किसी किसी फ्लाइट के अंदर वो लोग मिडिल सीट को एम्प्टी नहीं रखते हैं, वो लोग जो मिडिल पैसेंजर होता है उसको पीपीई सूट पहना के रखते हैं. तो ये सब चीजें अगर आप बच्चों को पहले बताओगे तो दे विल अंडरस्टैंड और जो आपका ट्रैवल है वो थोड़ा सा इजी रह जाएगा. जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दूंगी वो ये है कि जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. अगर कोई स्नीज कफ रेगुलरली कर रहा है या इफ देयर इज समथिंग फिशी दैट यू फाइंड देन देयर आर द अथॉरिटीज ऑल अराउंड दैट आर वेरी एक्टिव, तो आप वहां पे जाके किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो एंड दैट विल बी टेकन केयर. डू नॉट अवॉइड, ये ऐसा नहीं करो कि अगर वो कुछ स्नीज और कफ कर रहा है तो यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. नहीं, ऐसा नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू गो एंड रिपोर्ट टू द अथॉरिटी, बाकी सारी चीजें दे विल टेक केयर. इट कैन बी अ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ बट इट इज बेटर टू बी सेफ इन दिस टाइम. सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में कोई भी ट्रैवल करने वाला हो तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि जो उसका ट्रैवल है वो सेफ रह सके. एंड आई रियली विश यू अ वेरी वेरी सेफ एंड अ हैप्पी ट्रैवल. टिल देन स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.